हेलो गाइस हेलो डियर स्टूडेंट आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सोशल साइंस गुजरात बोर्ड स्टैंडर्ड सिक्स का चैप्टर नंबर फिफ्टीन के एक्सरसाइज नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ गवर्नमेंट चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट डियर स्टूडेंट अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए आखिरी तक हमारे इस वीडियो में ताकि आपको सभी क्वेश्चन आंसर समझ में आए उन्हें नोट डाउन कर सके प्रॉपर वे में उन्हें टीचर्स को अपने पेरेंट्स को अपने फ्रेंड्स को समझा सके स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर सी वाई इज द गवर्नमेंट रिक्वायर्ड जो सरकार होती है सरकार की जरूरत क्यों होती है तो आंसर देखिए द गवर्मेंट ऑफ ईच कंट्री मस्ट मेक डिफरेंट डिसीजन सच एज स्टेब्लिशिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड रिफॉर्मिंग लॉ अकॉर्डिंग टू इट्स कॉन्स्टिट्यूशन उनके जो संविधान के अकॉर्डिंग उन्हें डिसीजन लेने पड़ते हैं एस्टेब्लिशिंग करनी पड़ती है इम्प्लीमेंटिंग करनी पड़ती है और कुछ सुधार करने पड़ते हैं गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग लॉ एंड अप्लाइंग रूल एंड रेगुलेशन फॉर मेंटेनिंग पीस लॉ एंड ऑर्डर एज वेल एज फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द कंट्री जो सरकार होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि वो वहाँ के नियम कानून को अच्छी तरीके से चला सके उनका सम्मान कर सके अब शांति व्यवस्था बना के रख सके और जो भी लॉ ऑर्डर है उन्हें पूरा प्रॉपर तरीके से चला सके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मैनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट आर देयर विच आर दे जो सरकार है वो कितने तरह की होती है और कौन कौन सी है तो देखिए आंसर देयर आर द थ्री मेन टाइप ऑफ गवर्नमेंट उनके नाम देखिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट और मोनार्की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ये एक लोकतांत्रिक सरकार है जहाँ पे सबके मत से चुन कर के कोई एक खड़ा होता है और वही सरकार चलाता है सब जनता का जनता के लिए जनता की द्वारा उसे बोलेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होती है जो वर्ग से संबंधित होती है उसमें एक वर्ग का एक समूह का एक मुखिया होता है और वही उस समूह को चलाता है उसे बोलते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट मोनार की मोनार की इस इसमें राजा का बेटा राजा ये वंशानुगत होती है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है वो हाल में कहीं देखी नहीं जाती है और मोनार और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही अभी हाल में है फिर है हाउ मनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट आर मोस्टली फाउंड इन द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में कौन सी गवर्नमेंट चलती है तो देर आर मेनली फोर टाइप ऑफ गवर्नमेंट फाउंड इन द वर्ल्ड फर्स्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट सेकेंड है डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट थर्ड है मोनार्की फिर देखिए व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डू वी हैव इन आवर कंट्री हमारे देश में कैसा सरकार का सिस्टम है तो आंसर होगा आवर कंट्री हैज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नेंस सिस्टम है फिर मैच दो कॉलम देखिए स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आंसर होगा देखिए जो ये ब्लू है ब्लू को ब्लू से मैच करेंगे स्टेट गवर्नमेंट का आंसर होगा हमारा टेक द चार्ज ऑफ एंटायर स्टेट लोकल गवर्नमेंट टेक द चार्ज ऑफ विलेज सेंट्रल गवर्नमेंट टेक चार्ज ऑफ एंटायर नेशन और मोनार्की गवर्नमेंट ओनली वन मेन रूल फिर देखिए गिव राइट रीजन यह हमें कारण बताने हैं फर्स्ट है पीपल आर इन द सेंटर इन डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के सेंटर में पीपल को लोगों को रखा जाता है इन डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट दे रिप्रेजेंटेटिव लोग क्या करते हैं कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं बाई वोटिंग टू रन द कंट्री अकॉर्डिंग टू फॉर्मर यू एस प्रसिडेंट अब्रह लिंकन द डेमोक्रेटिक सिस्टम इज वन दैट इज रन बाई द पीपल फॉर द पीपल एंड बाई द पीपल of the people for the people and by the people यहाँ पे by the people दो बार रिपीट हुआ है इसे करेक्शन कर लीजिएगा देखिए डेमोक्रेटिक सिस्टम इज वन दैट इज रन ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा फिर नेक्स्ट देखिए द राइट ऑफ द पीपल आर नॉट मेंटेन्ड इन द मोनार्की आंसर इन अ मोनार्की द किंग और क्वीन इज द सेंटर ऑफ पावर मोनार्की में पावर के सेंटर में कौन होता है राजा या रानी जबकि डेमोक्रेटिक में पावर के सेंटर में कौन होता है लोग इन मोनार्की पीपल डू नॉट हैव द राइट टू चूज द रूल वहाँ पे लोगों को कोई भी नियम कानून बनाने का चूज करने का कोई अधिकार नहीं होता है इज सेंटर्ड ऑन द रूलर फिर देखिए द गवर्नमेंट मेक अमेंडेंमेंडमेंट्स इन द लॉ द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी इज कम्पोज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाई द पीपल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री गवर्न गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि लोगों के द्वारा चुन करके वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाता है सरकार चलाने के लिए दे कीप द कंस्टिट्यूशन इन माइंड एंड इनएक्ट द लॉ नेसरी टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ द पीपल इन अकॉर्डेंस विद पब्लिक ओपीनियन इसमें क्या होता है जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुन करके भेजते हैं वो क्या करते हैं कि अपने दिमाग में अपने संविधान को रखते हैं और उससे लोगों का भला हम किस तरीके से करते हैं वो अपने दिमाग में रखते हैं कि हमें क्या क्या अपनी जो प्रजा है और जो अपनी जनता है उनके लिए हमें क्या क्या करना है उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करना है उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा करना है वो सब रिप्रेजेंटेटिव के माइंड में होता है स्ट्रेट वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट एच्यू और फॉल्स See in a democracy, power lies in the hand of the people. True. A monarchical ruler is selected without an election. True. The court may suggest or order the government. इन वेरियस मैटर ट्रू दो तीनों ही आंसर इसमें राइट होंगे डियर स्टूडेंट मैं उम्मीद करती हूँ कि चैप्टर आपको समझ में आया होगा एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी और आप इसे इजी तरीके से समझ करके अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी समझा सकते हैं इसमें देखिए तीन ही मेन चीज़ें जो गवर्नमेंट है उसे तीन टाइप की बताएगी डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट और मोनार्कियल इसका डिफरेंस मैंने आपको बता दिया डेमोक्रेटिक में ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाई द पीपल मतलब टोटल पावर लोगों के हाथ में होती है सेंट्रल पावर इसमें लोग होते हैं जबकि कम्युनिस्ट में क्या होता है कि हर एक वर्ग और समुदाय के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और उनके नेता भी अलग अलग होते हैं और मोनार्कियल में क्या होता है कि राजा का बेटा राजा मतलब एक ही एक ही जना शासन करता है और उसके अंडर में सभी लोग होते हैं डियर स्टूडेंट इसी के साथ ही चैप्टर फिनिश होता है मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा चैप्टर आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूल भूलिएगा और एक इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू